स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके स्टूडेंट मैंने न्यूमेरिकल क्लासेस के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैं ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कोई टॉपिक बाकी रह गया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर ये टॉपिक नहीं आपने अपलोड किया है, सो ये टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो कर्व होता है उस कर्व की हम लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक था ये बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक आईआईटी जेएम है, गेट है, सीएसआर नेट है, या फिर आप स्कूल लेक्चरर के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सो वो सभी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं जो टॉपिक समझा रहा हूँ इसके अंदर पूरा कंटेंट आपको समझ में आएगा और मेरे जो पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे जो आईटी बारा वहाँ पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, सो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के लास्ट में आप लाइक करना जरूर मतलब लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, ठीक है। सो देखिए लेंथ ऑफ कर्व या इसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी आपको कर्व दे रखा है उसकी अगर लेंथ निकालनी लाइक x1 से x2 तो यहां पे उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। अगर आपको कोई कर्व दे रखा है तो आप उसको कर्व की लेंथ निकालनी पर्टिकुलर, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि ये एक सर्कल है, क्लियर है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल ये क्या है, इसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट, a होगी, है ना। अब आपसे ये पूछ ले कि ये जो सर्कल है इस सर्कल की आपको लेंथ निकालनी, मतलब आपको निकालनी इसकी पेरीमीटर, राइट, ये सर्कमफेरेंस, राइट। तो अगर आपको यहां से लेके इसकी लेंथ यहां तक निकालनी तो हम जानते हैं यार कि इसकी वैल्यू होती है 2πa, है ना। तो मैं ये रेक्टिफिकेशन पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब मैं आपको लेंथ निकालना सिखा रहा हूं, तो अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं उसके अंदर तो उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले में और कैसे फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट हम यहां क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की हम लेंथ निकालेंगे और हम जानते हैं सर्कल की यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो 4 times इसकी और इसकी और इसकी लाइक चारों में एक जैसी होती है, तो हम यहां से यहां तक की लेंथ निकालेंगे उसको क्या कर देंगे 4 times कर देंगे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ के जो कोऑर्डिनेट, स्टूडेंट यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, a होता है बिकॉज रेडियस a है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यहां से यहां तक की लेंथ निकाल रहा हूं मैं, ए टू बी की लेंथ निकाल रहा हूं, राइट। फिर उसको हम क्या करूंगा 4 times करूंगा, क्लियर। सो देखिए यहाँ पे एक्स की जो लिमिट है, देखो एक्स की लिमिट है, एक्स मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है a। तो आप बोलोगे सर लिमिट तो a से 0 होनी चाहिए, पर भैया लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 to a भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आगे आएगा पर लेंथ पॉजिटिव होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। और हम इसको करेंगे 4 times क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंथ होगी वो सर्कल की टोटल लेंथ क्या होगी उसकी 4 times होगी, ओके ओके। अब बात करते हैं आगे 1 plus, अब हमें dy by dx चाहिए, dy by dx किसका, जो कर्व है उसका, राइट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2x, ये आएगा 2y, dy by dx is equal to 0, then dy by dx is equal to student ये उधर गया तो माइनस का x और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा एंड y आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा dy by dx आएगा, इस dy by dx को उठा के यहां रखेंगे, ठीक है। तो यहां रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा लाइक माइनस y बाय x का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू dx, या इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं तो ये आएगा 0 to a अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इनटू dx, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा, s इज इक्वल टू 4, 0 to a, देन यहां पे इस y स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये अंडर रूट के बाहर नीचे y स्क्वायर तो ये y हो जाएगा, है ना, अंडर रूट हटा दिया हमने स्क्वायर से। नाउ अब जो इक्वेशन है इसके अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है a स्क्वायर दे रखी है, तो स्टूडेंट मैं यहां पे a स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो a स्क्वायर लिखूंगा तो अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a अपॉन y इनटू dx, पर यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो चूंकि ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है यहां आ रहा y, तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टूडेंट y की वैल्यू यहां पे कितनी होगी a स्क्वायर माइनस, देखो x स्क्वायर को उधर लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? सो ये आएगा 4, इस ए को बाहर निकाल लीजिए आप, 0 टू ए 1, एंड देन ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट लगाएंगे 0 टू ए, क्लियर? देखिए आगे क्या होगा, इज इक्वल टू 4a, देन जहां पर x वहां a रखेंगे, तो ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1, फिर जहां पर x है माइनस करके सेकेंड लिमिट, जहां x वहां 0 रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 0। स्टूडेंट साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2πa आएगी, और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 2πa के बराबर आती है ना। तो लाइक जो भी फार्मूला हम यूज करें उसके बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए कि यार वो वाकई में है क्या चीज। तो मैंने आपको समझाया कि यहां पे इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अब क्या होता है कि इसका लेंथ ऑफ आर्क का एक और फार्मूला होता है जो आपको दिया हुआ होगा पेरीमीटर, लाइक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले केस में, इसका फार्मूला एक और होता है, वो फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डीएक्स बाई डीटी का होल स्क्वायर प्लस डीवाई बाई डीटी का होल स्क्वायर इंटू डीटी, और लिमिट होती है टी वन से टी टू। अब आप बोलोगे सर आपने अभी ये फार्मूला बताया, फिर एक नया फार्मूला और बता दिया, तो अब ये कब यूज करेंगे? तो स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है ना। तो अगर जैसे यही क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको ये ना दे दे, ये ना दे, क्या बोले कि एक सर्कल है जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के होते हैं। अरे भाई इसको स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भैया इससे सर्कल की इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब ये सर्कल के क्या हुए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हुए। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया ये कोऑर्डिनेट है तो बताओ इससे बनने वाला जो कर्व है उसकी लेंथ क्या होगी, है ना। तो हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इससे कौन सा कर्व बनेगा। तो आपको इससे देखते पता पड़ रहा है कि एक सर्कल बन रहा है ना। अब सर्कल बन रहा है तो ऐसे केसेस में हम कैसे करेंगे, तो वही सेम यहां पे कंसेप्ट, यहां पे थीटा है तो ऑब्वियसली मैंने यहां टी लिया है, तो आप टी ले ले ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो काम वही करेंगे, बस यहां पे टी एंगल है, तो भैया एंगल यहां पे कितना होता है, जीरो होता है, यहां कितना होता है, पाई बाय टू होता है, है ना। तो हम क्या करेंगे, जीरो से पाई बाई टू एंगल के बीच में जितनी भी लेंथ है वो निकाल देंगे, और उसको क्या कर देंगे, हम फोर टाइम कर देंगे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस क्या होगा, फोर टाइम जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है आपको, डीएक्स बाई डीटी, तो ये डीएक्स बाई डीटी है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, माइनस का ए साइन टी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ए कॉस टी, देन ये वैल्यू उठा के रखेंगे हम यहाँ पे, है ना। सो रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा dx by dt, that is a square sin square t, है ना, square कर देंगे ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, then ये आएगा a square cos square t dt, है ना, dy by dt की वैल्यू cos t, है ना, इसको square करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट में से a square बाहर निकाला, बाहर निकालेंगे तो भैया a square बाहर आएगा तो a हो जाएगा, then 0 से pi by 2, अंदर क्या बचा, sin square t plus cos square t into dt। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है ना। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4a 0 से पाई बाई टू इंटू डी टी, देन एस इज इक्वल टू 4a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t, देन एस इज इक्वल टू 4a, स्टूडेंट फर्स्ट लिमिट माइनस सेकेंड लिमिट, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2πa के बराबर आएगी। तो वो वाला फार्मूला कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला कब यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर सिंपल कार्टेशियन कर्व में आप लाइक आपको एक्स और वाई की फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है तो हम ये वाला एक कंसेप्ट यूज करेंगे, और अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है उस वाले कर्व में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं दो तीन क्वेश्चन आपको इस पे दोनों टाइप के बताता हूं, उससे आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, प्रूव दैट द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू log sec x फ्रॉम 0 टू x, मतलब x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, है ना, 0 टू पाई बाय 3 इज दिस। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कर्व है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको ये प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने बताया कि यहाँ पे जो भी जैसे आपने सर्कल वाला क्वेश्चन भी बताया तो वहाँ पे आपने क्या करा कि कर्व आपने ट्रेस किया, देन आपने बताया कि देखो इसको फोर टाइम कर देंगे ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कब आपको ये पता लगेगा कि कर्व को ट्रेस करना है और कब आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिमिट दे रखी है और फंक्शन दे रखा है तो सीधा फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, कर्व को ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है।
पर जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टैंगल। तो यार आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वर्टेक्स से एक्सट्रीमिटी तक जो जा रहा है कर्व, उसकी लिमिट क्या है। तो उसके लिए आपको इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, पर यहां पे इसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आपको कर्व के अंदर दिया हुआ है लिमिट, तो आपको उसको ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पे दे रखा है, तो आपको जो लेंथ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 से x2 है ना, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स, ये इसका फार्मूला होता है, राइट। तो वही क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो लिमिट क्या दे रखी है स्टूडेंट, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, लिमिट दे रखी है 0 से π/3 है ना, ओके। नाउ 1 + अब dy/dx स्टूडेंट ये दे रखा है, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, सो dy/dx तो log sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 10x है ना, अरे नीचे करोगे 1/sec x और sec x होगा sec x 10x, तो sec x से sec x कैंसिल 10x, राइट। नाउ इसका डिफरेंश, इसका यहाँ पे क्या कर दोगे 10 square x dx आ जाएगा, ठीक है ना, 10x का स्क्वायर, बिकॉज dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + 10 square स्टूडेंट ये क्या होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, 1 + 10 square किसके बराबर होता है, sec square x के बराबर, तो और sec square x का अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। अब sec x इसका इंटीग्रेशन आ गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x, सॉरी दिस इज π/3 है ना, सो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x + 10x होता है, ठीक है ना, लिमिट कहाँ जाएगी 0 से π/3 जाएगी, ठीक है ना, लाओ लिमिट रख दीजिए, क्या आएगा लिमिट, ये आएगा sec π/3 + 10π/3, देन 0 पे स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 0 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू, तो log 0 मतलब खत्म हो जाएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ log sec π/3 स्टूडेंट, sec π/3 की वैल्यू होती है 2 है ना, क्योंकि cos π/3 हमारे पास 1/2 होता है, तो sec π/3 हमारे पास 2 हो जाएगा, 10π/3 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आएगा, और हमें मुझे लगता है यही प्रूव करना था, ठीक है ना। सो इस तरह से इसको हम आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। पर बात होती है जैसे ये कर्व है ना, अब आप बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैराबोला ट्रेस करेंगे, ठीक है ना, ये पैराबोला, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, राइट। तो ये पैराबोला ऐसा होता है ना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो स्टूडेंट यहां पे इसका क्या होता है, फोकस होता है ना, दैट इज a, 0 है ना, और ये हमारी क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम होती है ना, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि जो वर्टेक्स है उससे एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, मतलब भैया आपको यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है, ठीक है, ये लंबाई निकाल ली है ना। अब आप देखिए, मैं इस नीचे वाले पोर्शन को हटा देता हूं कि जरूरत नहीं इसकी, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0। अब हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उसकी लेंथ होती है 4a, कितनी होती भैया 4a होती, तो आधी कितनी होगी 2a होगी, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2a होगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी a होगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो a होगा, y कोऑर्डिनेट 2a होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, लिमिट पता पड़ गई, देखो हमने ये ट्रेस क्यों किया, लिमिट को पता करने के लिए, लिमिट पता होगी अब काम खत्म अपना, क्या करेंगे हम, वही सेम s इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dx लिमिट x1 से x2, ठीक है। लगाओ फार्मूला, क्या होगा dx/dy है ना, तो लाइक आप जैसे dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx में एक प्रॉब्लम आ रही है आपको, जैसे आप dy/dx निकालोगे यहाँ पे, तो ये आएगा 2y है ना, dy/dx इज इक्वल टू 4a, देन dy/dx इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 4a/2y, फिर आप इस y की वैल्यू उठा के यहाँ से रखनी पड़ेगी, तो बेटर है, और वो अंडर रूट में आ रहा है तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, तो इस फार्मूले को हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और ऐसा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे dx/dy, और स्टूडेंट अगर आपने इसको dx/dy और नीचे dy आ रहा है, तो इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट होगी y1 से y2, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा, अगर आपने dy/dx लिया और कैलकुलेशन में भारी लग रहा है आपको, तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा उससे भी, पर लंबा होगा, तो उसको उल्टा कर दीजिए, है ना। तो ये वाला फार्मूला भी सही है ना, उस वाले केस में अगर dx/dy लिया तो y की लिमिट रेस्पेक्ट में लिमिट हो जाएगी, और y की लिमिट मतलब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, y की लिमिट हो जाएगी ना। तो अब देखो, अब थोड़ा इजी पड़ेगा अपने लिए, है ना। क्या हुआ देखो, ये दे रखा आपको, है ना, dx/dy निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे y² = 4ax है ना, तो ये आएगा 2y, और इसका होगा 4a dx/dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें ना, इसलिए यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, वहां पे dx/dy आएगा, राइट। सो dx/dy की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y/2a, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट देखिए y की लिमिट लगानी पड़ेगी, तो y यहाँ से कितना 0 जा कहाँ तक रहा है 2a तक, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2a है ना, देन अंडर रूट ऑफ 1 + इसकी वैल्यू होगी, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये आएगा y² / 4a² into dy है ना,
नाउ 4a² का एलसीएम ले लो एंड देन 4a² को बाहर निकाल दो. बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट है तो ये 2a हो जाएगा. लिमिट 0 से 2a और ये आएगा 4a² तो स्टूडेंट 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस y² dy है ना. और स्टूडेंट आपको पता हो इंटीग्रेशन अगर आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से मैं फिर भी बताता हूँ आपको क्योंकि मुझे लगता है फार्मूले आपको याद नहीं होंगे सही से. तो y² dy और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है y/2 अंडर रूट ऑफ a² प्लस y² प्लस यहाँ आता है a² / 2 log क्या आएगा यहाँ पे y प्लस अंडर रूट ऑफ a² प्लस y² ना. ये इसका फार्मूला होता है. थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ. तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं. तो a की जगह यहाँ 2a और y की जगह y है तो ये आएगा s = 1/2a है ना. तो यहाँ फार्मूला होगा क्या होगा y/2 दैट इज y/2 एंड अंडर रूट ऑफ सेम टू सेम जो चीज़ है वो लिख दो यहाँ पे. तो ये लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस क्या आता है a² / 2 तो a की जगह 2a तो 2a का होल स्क्वायर बाई 2 है ना log क्या आएगा यहाँ पे y प्लस अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस y² देन लिमिट 0 से 2a. ठीक है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब लिमिट पुट करेंगे है ना. तो s इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ये 1/4a हो जाएगा है ना. नाउ y की जगह 2a रखेंगे तो ये आएगा 2a देन इस y की जगह 2a रखेंगे तो आएगा 2a का होल स्क्वायर. 2a का होल स्क्वायर मतलब होता है 4a² और यहाँ पे भी आएगा 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a² तो ये आएगा 8a² और 8a² का अंडर रूट तो स्टूडेंट ये आएगा 2√2a. क्लियर मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास है ना. देन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना आएगा 4a² / 2 log स्टूडेंट यहाँ पे 2a लगाएंगे लिमिट तो ये आएगा 2a प्लस यहाँ भी 2a लगाएंगे तो स्टूडेंट वही 2√2a आ जाएगा है ना. वही सेम आएगा क्योंकि सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना. माइनस अब क्या करेंगे सेकंड लिमिट जहाँ पे वाई वहाँ के रखेंगे 0 तो भैया 0 हो जाएगा. ये यहाँ भी वाई की जगह 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे अच्छे की इसकी वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा है ना. प्लस यहाँ पे आएगा 4a² / 2 दैट इज 4a² / 2 ही रहेगा है ना. और यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा तो ये 2a का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा log 2a. ठीक है ना. अब हो गया अपना क्वेश्चन है ना. देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा. क्या कॉमन आ रहा अभी निकाल लेते हैं ना. 4a कॉमन ले लो. चलो एक बार अगले स्टेप में ले लेंगे ना. तो ये आ जाएगा आपके पास 4√2a² है ना. मैं 1/4a बाहर ही रख देता हूँ. प्लस ये आएगा आपके पास देखो ये दोनों टर्म सेम टू सेम है ना. तो 4a² / 2 तो कॉमन आ रहा है ना. और ये log a माइनस log b देख लो ये माइनस आ रहा है ना. तो log a माइनस log b का कंसेप्ट लगेगा तो ये आएगा log क्या आएगा यहाँ पे 2a प्लस 2√2a अपॉन नीचे आएगा 2a देन आप इसको अब आप देखो यहाँ से जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ेगा आपको है ना. s इज इक्वल टू यहाँ से 4a² कॉमन आ रहा है. देखो 4a² से 4a² तो 4 चलो 4a कॉमन ले लो बेटर है. तो 4a से 4a कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा आपके पास √2a बचा है ना. प्लस यहाँ से आपने क्या करा 4a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपके पास a/2 है ना. देन ये 2a से 2a कैंसिल हो गया तो ये आएगा आपके पास log 2a से 2a कैंसिल तो 1+√2 ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा. तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी क्या निकालते हैं लेंथ निकालते हैं और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा. स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा मतलब दो क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो आपके सामने अभी लेंथ ऑफ आर्क पे क्वेश्चन लिए थे नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन और भी हैं जो इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है पर इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है तो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे उन टाइप के क्वेश्चन लेते हैं. और स्टूडेंट जो भी मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लेने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो BSc और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम है मतलब पूछे ही जाते हैं हर साल लाइक 2 साल छोड़ के पूछे जाते हैं लाइक एस्ट्रॉइड है या जो लूप वाले हैं जिनको कर्व ट्रेसिंग के कंसेप्ट से पहले आपको लूप बनाना पड़ेगा देन उसकी हम क्या करेंगे लेंथ निकालेंगे है ना. और ऐसे ही एस्ट्रॉइड का क्वेश्चन है जिसकी लेंथ पूछी जाती है एग्जाम के अंदर और 2 से 3 क्वेश्चन मैं वहाँ पे लूंगा. उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर जो पोलर कर्व्स होते हैं जैसे कार्डियोइड है कार्डियोइड पे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी लेंथ निकालना पूछा जाता है उस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा. तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें आप. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टूडेंट बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपकी कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं करते रहिए इसके रिप्लाई में जब भी समय मिलता है उसके साथ देता रहता हूँ और बने रहिए मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँगा. थैंक यू बाय.